देश में कोरोना की दूसरी लहर से हर कोई परेशान है और इसीलिए लोगों को जो उम्मीद है वो सिर्फ अस्पतालों से है कि वो अस्पताल जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जो स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहा है। दरअसल जहां कोरोना के मरीजों को रखने के लिए अच्छी और साफ सुथरी जगह चाहिए, वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक अस्पताल का आईसीयू वार्ड बदहाली के आंसू रो रहा है और वो भी तब जब उस वार्ड को कुछ समय पहले ही तैयार किया गया हो। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाल ही में करीब एक साल पहले खजूर वाले वार्ड की पुरानी बिल्डिंग में कोविड आईसीयू वार्ड बनाकर तैयार किया गया था और इसमें मरीजों को शिफ्ट किया गया, लेकिन जिले में बारिश क्या हुई, आईसीयू वार्ड की छत ही टपकने लगी और छत से पानी टपकने की वजह से मरीजों को खास परेशानी भी हुई। बताया जा रहा है कि जितनी देर बारिश हुई उतनी देर छत से पानी मरीजों के ऊपर टपकता रहा। मरीज पानी से बचने के लिए इधर उधर जाते भी दिखाई दिए। हालांकि इस वार्ड को बनाने में लाखों रुपए खर्च किए गए ताकि मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, लेकिन वीडियो अपने आप में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहा है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि पानी सिर्फ एक जगह से नहीं टपक रहा था बल्कि वार्ड की छत से कई जगह से टपक रहा था, जिससे वहां पर अफरा तफरी जैसा माहौल भी बन गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑल इंडिया।